हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि इस दुनिया में अगर ईश्वर है तो इसी दुनिया में राक्षस भी होते हैं। जी हाँ, जहाँ पॉजिटिव है वहीं नेगेटिव भी होता है। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। जी हाँ, घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए, लेकिन जो आए वो कभी भी इस बच्चे के चेहरे को भूल नहीं पाए। तो चलिए, क्या है और कहाँ का है पूरा मामला आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेल दोस्तों, जब भी किसी के घर में कोई नया बच्चा आता है, यानी कि कोई नया सदस्य आता है, तो उस घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है। ये आपने भी अपने घर में फील किया होगा और हमने भी देखा है। लेकिन आज हम आपको जहाँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं वहाँ का मामला ही अलग है। ये कहानी है बिहार के गाँव के। गौर से सुनिएगा और अगर डर लगे तो पानी पी लीजिएगा। दोस्तों, इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, बच्चे का जन्म लेना तो शुभ बात होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस बच्चे की शक्ल कैसी लग रही है। जी हाँ, ये बताने के लिए काफी है कि ये बहुत ही अलग बच्चा है। दोस्तों, आज हम आपको इस बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कितना अलग दिखता है। ये अभी से ही कितना बड़ा दिखने लगा है। इसके चेहरे को आप जरा ध्यान से देखिए, वाकई में ये बहुत ही डरावना दिख रहा है। लेकिन आपको बताते हैं कि इस बच्चे की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ उसके 3 दिन बाद ही इस बच्चे की मौत हो गई। कहते हैं कि इस बच्चे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। सबको लगता था कि वाकई में ये बच्चा अलग ही दिखता है। दोस्तों, आसपास के गांव में ये बात फैल गई। इतना ही नहीं, सबने इस बच्चे को शैतान का बच्चा भी कहना शुरू कर दिया। वाकई में इस बच्चे को देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कैसे ये बच्चा सबको देख रहा है। लेकिन कहानी की शुरुआत इस बच्चे के मरने के बाद शुरू हुई। दोस्तों, माना जाता है कि जब इस बच्चे की मौत हुई उसके बाद से इसने इस गाँव में तांडव मचाना शुरू कर दिया। जी हाँ, अमावस की रात इस बच्चे की मौत हुई और उसके बाद से इस शैतान के बच्चे ने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कई सारे लोग आए इस बच्चे की आत्मा को शांत करने के लिए, लेकिन आज तक परिणाम अच्छा नहीं निकला। माना जाता है कि ये बच्चा आज भी कई जगहों पे आता है। जी हाँ, मरे हुए बच्चे की आत्मा यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार देखी है। कहते हैं कि ये बच्चा मरने के बाद भी सबको परेशान कर रहा है। इस घर की महिला की बात सुने तो ये कहती है कि बच्चा कई बार इनके घर के अंदर आ जाता है और उसके बाद इन लोगों को परेशान करता है। इतना ही नहीं, ये महिला कहती है कि ये बच्चा कई बार इनका गला भी दबाने की कोशिश करता है। रात में जब पूरी दुनिया सोती है तभी इस बच्चे की आत्मा आकर घर के सारे सामान को फेंकने लगती है। वाकई में ये चीजें सुन के ही डर लगने लगता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग इस बच्चे को ढूंढने के लिए निकले हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए कि कैसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कहते हैं कि जब किसी बच्चे की रोने की आवाज आपको जंगल से आए तो संकेत अच्छे नहीं होते हैं। ये देखिए, इन्हें कुछ दिख रहा है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे उतर आते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए कि कैसे इस बच्चे की आवाज को सुनते हुए ये उस आत्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। वाकई में डरावनी कहानी है। ये देखिए कि कैसे यहाँ पर बार बार बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लेकिन जब ये कुछ लोग उस आवाज के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं तो उसके बाद जो इन्हें दिखता है वो वाकई डरावना है। दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ पर बच्चे की आत्मा दिखती है। जी हाँ, क्या आपने देखा? ये देखिए कैसे इस बच्चे के पास बड़े बड़े बाल हैं। क्या वाकई में ये वही बच्चा है जो कि शैतान बन के आया था और मर गया, या कहानी कुछ और ही है? दोस्तों, इसे देखने के बाद किसी के भी पसीने छूट जाएं। सवाल यह है कि अगर ये आत्मा नहीं तो आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है, और ये जंगल से आवाज किसकी आ सकती है? ये सुनिए कैसे बार बार अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। तभी तो गांव के लोग इस घर के आसपास भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि इस घर में सब कुछ सही नहीं है और यहाँ कुछ तो नेगेटिव शक्ति जरूर रहती है। वाकई में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर आत्मा का निवास है। यहाँ रहने वाली महिला कहती है कि इस घर में कुछ भी सेफ नहीं है। यहाँ रात को आए दिन कोई ना कोई आता रहता है और चोरी भी हो जाती है। साथ ही इस बच्चे की आत्मा भी इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इस गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बच्चा न तो इन्हें न ही इनके परिवार के किसी भी इंसान को आने वाले समय में खुश रहने देगा। कहा यहाँ तक जा रहा है कि ये बच्चा इतना खतरनाक है कि लोगों को डरा डरा कर ये जान ले लेता है। अब सोचिए कि अगर ये बात सच है तो वाकई में आज के जमाने में भी भूत एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ जो भी हमने देखा है उसे देखने के बाद तो हम कह ही सकते हैं कि भाई आज हम सबके बीच कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। शायद इसी को भूत कहते हैं। ये जो महिला डरी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये बस ऐसे ही हवा में बातें कर रही है? इनको देखकर वाकई में लगता है कि इन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं। ये बार बार कहते हैं कि मुझे भी इस घर को छोड़ के जाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से डर गए हैं। अगर ये डरी नहीं होती तो भला अपने घर को छोड़ने की बात कोई क्यों ही करता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या वाकई में मरने के बाद आत्मा जिंदा रहती है? क्या वाकई में आत्मा आपको परेशान कर सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में भूत होते हैं। डर या भय, इसका सामना हर इंसान करता है।
क्या वाकई कोई चीज हमें डराना चाहती है या फिर मस्तिष्क भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है। असाधारण घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पैरासाइकोलॉजी इसी डर का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर कायरन ओकीफ कहते हैं, पैरासाइकोलॉजी में मुख्य रूप से तीन प्रकार के रिसर्च शामिल है। पहला इलाका है विचित्र किस्म का आभास, इसमें टेलीपैथी, पहले से आभास होना या परोक्ष दर्शन जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना, जैसे बिना छुए चम्मच को मोड़ देना। तीसरा है मृत्यु के बाद का संवाद, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से संवाद। असाधारण घटनाक्रम से जुड़े मनोविज्ञान को समझने के लिए वैज्ञानिक न्यूरोसाइंस की भी मदद ले रहे हैं। असामान्य परिस्थितियों में कई बार हमारी आंखें अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। कम रोशनी में आंखों की रेटिनल रॉड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और हल्का मुड़ा हुआ सा नजारा दिखता है। डॉक्टर ओकीफ के मुताबिक आंख की पुतली को बेहद कोने में पहुंचाकर अगर हम आखिरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो बहुत साफ नहीं दिखता है, डिटेल भी नजर नहीं आते हैं, सिर्फ काला और सफेद ही दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है कि रॉड कोशिकाएं रंग नहीं देख पा रही हैं। हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा मस्तिष्क सूचना के अभाव को भरने की कोशिश करता हो। दिमाग उस सूचना को किसी तार्किक जानकारी में बदलने की कोशिश करता है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हमने कुछ विचित्र देखा है। तर्क के आधार पर हमें लगता है कि शायद कोई भूत है। ऐसे भले ही कुछ पलों के लिए होता हो, लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाते हैं। सांस तेज चलने लगते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, शरीर बेहद चौकन्ना हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है और कुछ को बहुत कम। वैज्ञानिक इसके लिए मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमिटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग अलग होता है, वैसा ही डर के मामले में भी होता है। ओकीफ कहते हैं, डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तिष्क में डोपामिन का रिसाव होने लगता है, इसके चलते उन्हें मजा आने लगता है, जबकि बाकी लोग बुरी तरह डर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बचपन में खराब अनुभवों का भी डर से सीधा संबंध है। अक्सर भूतिया कहानियां सुनने वालों या हॉरर फिल्म देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी यादें बस जाते हैं और जब भी कोई असाधारण वाकया होता है तो ये स्मृतियां कूदने लगती हैं। जब हम कोई पुरानी जर्जर इमारत देखते हैं जहां अंधेरा हो, आसपास कोई आबादी ना हो, तो हमें भय का एहसास होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादातर हॉरर फिल्मों में ऐसी इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में पेश किया गया है। ये जानकारी हमारे मस्तिष्क में बैठ चुकी है। ऐसी इमारत देखते ही हमारा मस्तिष्क हॉरर फिल्मों की स्मृति सामने रख देता है। डर पैदा कर मस्तिष्क ये चेतावनी देता है कि इस जगह खतरा है, जान बचाने के लिए यहाँ से दूर जाना चाहिए। इसके बाद धड़कन तेज हो जाती है और पूरा बदन जल्दी से भागने या किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पे होता है। ओकीफ कहते हैं कि किसी शख्स से इतना भर कह दीजिए कि ये इमारत भूतिया है तो उसके भीतर एक अजीब सी भावना फैलने लगेगी। उसके बाद उस इमारत में जो कुछ भी सामान्य ढंग से घटेगा वो डरावना महसूस होने लगेगा। लेकिन क्या भूत होते हैं? इसके जवाब में ओकीफ कहते हैं कि कल्पना और भूतों पर विश्वास या विचित्र परिस्थितियां, इनके संयोग से ऐसा आभास होता है कि जैसे हमारे अलावा कोई और भी है, जबकि असल में कोई और होता ही नहीं है। लेकिन किसी चीज को बिना छुए उसमें हलचल कर देना या फिर पूर्वाभास या टेलीपैथी जैसे वाक्य अब भी साइंस को हैरान कर रहे हैं। ओकीफ जानते हैं कि मस्तिष्क की कुछ विलक्षण शक्तियां अब भी विज्ञान के दायरे से कोसों दूर हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।